ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਟੇਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹ ਚ ਅਲਕੋਹਲ ਆ ਉਪਸ This is so delicious. Still drive me crazy. All right, so ये है बर्थडे की सुबह और मेरे घर की हालत देखिए कितनी ज़्यादा ख़राब है. आज कल मुझसे बर्तन क्लीन नहीं हुआ तो मैं जल्दी सोने के लिए चली गई क्योंकि मेरी बॉडी अच्छा फील नहीं कर रही थी. एंड हर तरफ मैस है एंड हिम्मत वेरी एंग्री बिकेस इसने मुझे प्रेजेंट नहीं ला के दिया और अभी ये सैड फील कर रहा है. और यार घर की हालत देखो यार, आज मेरा सारा दिन मुझे लगता है क्लीनिंग में निकलने वाला है. मेरा दिस बर्थडे मीमी ने देखो कैसे एडजस्ट करके रखे हैं. दिस इज मीमी जस्ट मेरा न्यू मैस. सो यार बर्थडे की शुरुआत होने वाली है क्लीनिंग से. देखते हैं कितने घंटे क्लीन करती हूँ मैं. उसके बाद मुझे वीडियो एडिट करके अपलोड भी करनी है आज क्योंकि अपलोड नहीं किया है मैंने कितने दिन से. मैंने एक घंटा स्पेंड किया क्लीन करने के लिए और अब मेरा चाय पीने का टाइम हो रहा है. एक और बात, जो भी दोस्त मुझे सजेस्ट करते हैं कि मेरे बर्न हुए मार्क पे मुझे कुछ लगाना चाहिए, कोकोनट ऑयल और बहुत सारे आइडियाज़ देते हैं. थैंक यू सो मच आपके आइडियाज़ देने का और कंसर्न दिखाने का. एक्चुअली मेरे डॉक्टर ने जो मुझे एक ऑयल प्रिस्क्राइब करके दिया है मैं वो मेरे हैंड पर यूज़ कर रही हूँ. वो विटामिन ए एंड ई का ऑयल है. सो यस आई एम डूइंग समथिंग. तो चाय हो चुकी है रेडी ऑलमोस्ट. इसे इंजॉय करते हैं एंड ब्लेस्ड फील करते हैं. ओह वाओ माय बर्थडे प्रेजेंट्स हियर ऑलरेडी. ये सो हैप्पी. थैंक यू. ओह नो. ऑलराइट दोस्तों, तो मेरे बर्थडे प्रेजेंट्स तो आ चुके हैं. मैं आपको दिखाऊंगी. आई एम नॉट श्योर, आपको शायद अजीब लगेंगे. सो नंबर वन एंड नंबर टू. बहुत समय से मैं ये ट्राई करना चाहती थी और मैंने लिया नहीं और मैंने हस्बैंड को कहा कि मुझे यही ले दो क्योंकि गिफ्ट ऐसा होना चाहिए जो आप रियली चाहते हैं और यूज़ करना चाहते हैं. तो मैंने ये लिया है, इसको ट्राई करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. दूसरी चीज़ जो मैंने ली है वो भी वही है जो मैं रियली काफ़ी समय से ख़रीदना चाह रही थी पर मैं ले नहीं रही थी. सो लेट मी ओपन दैट एंड शो. ओके सो नंबर टू है शूज़. मुझे शूज़ बहुत अच्छे लगते हैं और ये वाले शूज़ मैं काफ़ी समय से लेना चाह रही थी. आई डोंट नो, आई एम एक्साइटेड. सो यस आई गॉट दिस शूज़ फॉर माई बर्थडे. ओके ये दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव एंड बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट प्रेजेंट तो नहीं है पर आई लव दैट मुझे मिल गया क्योंकि मैंने खुद ही ले लिया है. अगर पति के सहारे रह जाओ तो फिर रह जाओ, फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर बर्थडे मिस हो जाएगा. टी नी नी आई एम नॉट श्योर अगर आप शूज़ पर्सन हैं या नहीं पर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं शूज़. सो या ये बेचारे प्यारे वाइट शूज़ मेरी कलेक्शन में जुट जाएंगे आप. ऑलराइट दोस्तों, सो हस्बैंड लेके आए हैं मेरे लिए फ्लावर्स. आई कांट बिलीव हस्बैंड वैसे बहुत ज्यादा प्यारे थे हैनिया पर पता नहीं कितना कितना बिदा गुलदस्ता लेके आ गया वो भी वेज के साथ. थैंक यू हस्बैंड, आई लव दिस, दिस इज सो ब्यूटीफुल. ओह दिस इज गोना मेक माय हाउस ब्यूटीफुल. थैंक यू पति. सो या ये गुलदस्ता लेके आए हैं और एक कुछ लेके आए हैं जिसमें ग्रीटिंग कार्ड जो मुझे मेरा फेवरेट गिफ्ट है पर जो मैंने अपनी मर्जी से चूज करके दो गिफ्ट ले लिए हैं वो तो है ही. और इसमें हस्बैंड बोल रहे हैं कि हिम्मत ने जो लिखने के लिए कहा उसने वो ही लिखा है. ओह दैट्स अ सरप्राइज. ओके दिस इज ब्यूटीफुल शाइनिंग ग्लिटरी कार्ड फॉर माय ब्यूटीफुल वाइफ एंड माय ब्यूटीफुल मॉमी. या एंड टुडे इज द डे आई सेलिब्रेट
everything you are to me. My best friend, Mama, whose patience and understanding means so much. My wonderful wife, whose warmth and grace make me proud to be your husband. I hope Daddy, you mean it or just got it, whatever you find? I mean it. You mean it? Okay. And my one and only love, the woman who will have my heart forever. Happy birthday. That means so much. And because मैंने बात की है woman की और हिम्मत को लगा कि daddy किसी और औरत की बात कर रहे हैं और हिम्मत को ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई और औरत को daddy कैसे love करेंगे. He is such a cutie pie. I hate one woman. Woman, woman. I know I love my daddy. Don't love anybody else. I hate that. So boring. Okay. That means someone out. That means someone out. And Daddy ne likha, we love mommy. And one heart and put hi. I did that. That's so cute. Okay, so then they write, congratulations. Mommy, you got presents. Congratulations, bahu aa gaya. Congratulations, Mora. No, Daddy did that wrong. Congratulations, Mama. Good job. I hope you will like the cake. It would be white. Super delicious. Party still going on. You are Mama, daddy's Mama, best friend. You know what I want to spell that? I want to spell that the party will go on and we will play hide and seek upstairs. Alright. So daddy didn't want to go. Daddy, why? You are daddy's best friend. Daddy and Mimi. Oh, thank you. Thank you. And you want to see the cake? I want to see the cake. I want to see the cake. I want to see the cake. Cake. It's just right here. Oh my god, that's so pretty. Thanks, Daddy. I told you it's with heart. Hello? Thanks. Yeah, say that with your sub tika. Huh? नहीं हूँ नहीं आया गुगु केक ले आना तो ये काटते हैं थोड़ी देर में और तो इस नाम से ठीक हो. ऑलराइट दोस्तों, तो मैं इंतजार कर रही हूँ मेरा बर्थडे बैश शुरू होने का, जो कि शुरू होने का नाम ही नहीं लेता क्योंकि मेरा बर्थडे बैश शुरू करने के लिए दो ही बंदे हैं और दोनों टिल्ले, एक अपना बिजी. ठीक है, मैं सोच रही हूँ मैं अपने केक पे खुद ही कैंडल्स लगा लूँ. क्या मैं अपने केक पे खुद ही कैंडल्स लगा लूँ? Guys, look at my cutest cake. It's a baby. This is the cutest cake ever. All right, दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ आप कैंडल्स नहीं लगाना चाहते तो मैं 2 कैंडल्स लगा रही हूँ क्योंकि ये मेरा 30+2 बर्थडे है. Guys, तो ये रेडी है दोनों जन. जो तो मैं कट करना तो तालियां मारियां दोनों ने. Are you guys ready? Guys, this cake is so delicious looking. Can we eat it? My birthday guys. Yeah.
डिनर डांस करो। हमारे घर का रिचुअल है, हम डांस करते हैं बड़े वाले में। हमने केक काट लिया है। आई डोंट नो, अभी तक हमारा कोई प्लान नहीं है बाहर जाने का या कुछ करने का। फिलहाल के लिए इतना ही। अब चाय पानी पीते हैं और मैं आपको मिलती थोड़ी देर में। बट आई रियली लाइक दीज फ्लावर्स। मुझे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बहुत कम लेके आती हूँ मैं मेरे घर में, पर ये पति इतने ब्यूटीफुल फ्लावर लेके आया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। इनको एक्चुअली मैं यहाँ पर रखती हूँ और ये वेस्ट में ही आए हैं और वेस्ट भी काफ़ी। फ्लावर कैसे आपके घर की खूबसूरती को चार चार लगा देते हैं। वैसे तो मेरे प्लांट्स भी ओरिजिनल ही हैं। लुक एट दिस, सच अ ब्यूटीफुल प्लांट। पर फ्लावर्स फ्लावर्स हैं दोस्तों, सो इसको कहीं और। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मुझे ग्रीटिंग कार्ड बहुत प्यारा तोहफा लगता है कि हैंड रिटन, और इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं हर एक ग्रीटिंग कार्ड को पढ़ने के बाद उस पर डेट लिख के उसको सेव कर लेती हूँ, क्योंकि फिर पता नहीं चलता कि कौन सा कार्ड कब मिला है। सो दिस इज़ माई बर्थडे 2020। ऑल राइट दोस्तों, तो हम जा रहे हैं बाहर डिनर करने के लिए, बर्थडे डिनर। एंड मैंने ये क्लोथ पहने हैं क्योंकि मैं अपने नए शूज़ पहनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं उनकी काफ़ी समय से वेट कर रही थी। तो इसलिए मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट करने वाले कपड़े पहन लिए, कोई ड्रेसी कपड़े नहीं पहने, like Mimi and Daddy's little dressy. But I'm like, this is my simple birthday outfit: denim top, hoops, oops, my shoes, new shoes, ting 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 ting. अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्या। अब हम दूसरी प्लेस पे जाएंगे। सारा भांडा फोड़ देने कि तो ही क्या कि नहीं, मेरा दिल नो नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा। फिर केरे सर दे भांडा फोड़ी तोडे फोड़ना वे। पर इदा ना क्या करो तुसी कि डैडी डैडी अगे जी डैडी दी चलदी है, डैडी जो कहंदा वैसा ही होता है। फिर भांडा भी तोडे सर दे। गाइस दिस डेज आजादी क्यों मांग रहे हो यार? ये जाना शानी मत बान, तो अपने हाल कर जा रहा है सारे ये तो कर। मेरे पीछे वाला बच्चा देखो कितने टशन से है। ओह माय गॉश, ग्लासेस पास ही अम्ब्रेला पकड़ के। यू वांट टू वॉच द मूवी? ओके, हम आ गए हैं इटालियन खाने के लिए, पर यहाँ बैठने के लिए हमें बहुत वेट करनी पड़ी और बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए पति भी और मैं भी और हिम्मत भी। वेट इसलिए करनी पड़ी, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, पर बिकॉज ऑफ COVID-19 वो डिस्टेंस पे बिठाते हैं। और दूसरी चीज़, हमारे पास किड होने की वजह से हम बाहर एरिया में नहीं बैठ सकते, इसलिए हमें बहुत वेट करनी पड़ी। मुझे लगता है 1 घंटे से ज़्यादा वेट किया हमने, और फाइनली हमें टेबल मिला है और हमने ऑर्डर कर दिया है। लेट्स सी कितनी देर लगेगी, होपफुली जल्दी फूड मिल जाए क्योंकि बहुत भूख लगी है हमें। पर ये कि इनका फूड हमें बहुत अच्छा लगता है और ये वन ऑफ आवर फेवरेट इटालियन रेस्टोरेंट है। और यस, एक्साइटेड है खाने के लिए, क्योंकि ये फ्रेश मोज़रेला बनाते हैं यहाँ पे, और दूसरा है कि ये एवरीडे फ्रेश पास्ता भी बनाते हैं। सो यहाँ इसीलिए हमने वेट कर ली। वैसे मैंने तो हस्बैंड को कहा था कि चलो घर, पर ही सर नहीं, 10 मिनट और 10 मिनट और, वह बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए। गेस्ट
ड्रिंक ऑर्डर करके बह गया। गलती ना आ गई। वो तो मैं टेस्ट भी नहीं कर सकती। इसे अल्कोहल अल्कोहल नहीं है। सौ खाओ मेरी। वेरी लिटिल। डैडी तू ही वेट कर करके फ्रस्ट्रेट हो या नहीं? ये अपनी ड्रिंक वे के थोड़े हैप्पी हो यार। सो ये है फ्रेश मोज़रेला चिली एंड टमेटोज के साथ, और इसके साथ है ये फकाशिया। दिस इज सो डिलिशियस। एक्चुअली ये हमारा मस्ट ऑर्डर होता है जब भी हम आते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये फ्रेश मोज़रेला बहुत ज़्यादा डिलिशियस है, और इनके फ्लेवर्स व्हाट यू से डैडी। बहुत ज़्यादा गर्म है पर मेरे से वेट नहीं हो रही। My delicious truffle fettuccine is here. Freshly made pasta है और husband ने order किया है margherita pizza. So हम लोग share करेंगे। दोस्तों तो हमारा डिनर हो चुका है हंसते खेलते रोंदे रांदे, और अब हस्बैंड बिल नू अखा फाड़ फाड़ के देख रहे हैं और वो पे करेंगे, और देन वी ऑल राइट। दोस्तों हम हमारा डिनर करके घर पे आए हैं, तो यहाँ पे पड़ा है एक ब्यूटीफुल सा केक जो मेरे बेस्ट फ्रेंड ने भेजा है। हैप्पी बर्थडे BFF। Alright, so cake number 2. That's so exciting, right? Thank you, Lalia, for this beautiful cake. I love you. Go. Happy birthday to you. Happy birthday to you, me. Happy birthday to you. Oh, kiya kiya. Happy birthday to you. Okay. Okay. Yay! Yes, you did it. ऑलराइट दोस्तों, तो आज के दिन के साथ हमारा हो चुका है डन। मैंने घर में आके क्लीनिंग की है और केक को मैनेज किया है। कुछ केक मैं हस्बैंड के साथ उनके ऑफिस सेंड कर रही हूँ, और कुछ केक हम सेव कर रहे हैं हमारे लिए। और मेरे हस्बैंड का लंच बॉक्स बनाया है जो वहाँ से लेफ्ट ओवर पिज्ज़ा मैंने वो लेके जाएंगे वो, और फ्रूट्स काट दिए हैं। सो यस, आज का दिन बहुत प्यारा था, बहुत मज़ा आया। और स्पेशल सबसे ज़्यादा प्यारा मुझे क्या लगा है, ये हस्बैंड का जो ग्रीटिंग कार्ड है और इसमें जो वर्ड्स हैं वो हिम्मत के हैं, और राइटिंग पति की है, सबसे प्यारी ये लगी है मुझे। और मेरे बेस्ट फ्रेंड का केक बहुत प्यारा लगा है मुझे, और दिस ब्यूटिफुल बुके ये सबसे ज़्यादा प्यारा लगा है मुझे। माय गॉड, आई लव प्लांट्स और यार दिस ग्रीनरी। और सबसे ज़्यादा दुख है कि कुछ दिन बाद ये ख़राब हो जाएगा, पर आई लव इट सो मच मैन, सो प्रिटी। आई एम सो हैप्पी कि मेरे पति मेरे लिए फ्लावर्स लेके आए। आई डोंट नो वो इतना प्यारा चीज़ कैसे लेके आए, वैसे वो बिल्कुल रोमांटिक। और एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, आज मैंने हेमंत को बहुत परेशान किया बार बार मेरे लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग्स गाने के लिए, और वो हर बार गाता भी रहा, वो बहुत प्यारा लगा मुझे। बस ऐसे ही हमारा दिन बीत गया। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे हैप्पी बर्थडे विशेज़ भेजी हैं, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल और बहुत थैंकफुल हूँ कि आप इतना एफर्ट करते हैं और मेरे लिए समय निकाल के मुझे बर्थडे विशेज़ भेजते हैं। आई एम वेरी
वेरी थैंकफुल. आई लव यू गाइस सो मच. आज के लिए बस इतना ही. मैं मिलूंगी नए वीडियो में जल्दी ही. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग. यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. दैट्स इट. इजी राइट. बाय लालू. आज बाहर रेनी दिन था और आज ही मैंने मेरे बालों को स्टाइल किया है. आज ही बारिश पड़ेगी और लुक एट दिस कर्ली हेयर स्ट्रगल. Struggle is real.